डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर कॉल। दोस्तों नमस्कार। शहरी जीवन शैली लगातार समस्याओं से भरती जा रही है। हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर जो इलाज करता है, लंबी बीमारी चलती है और उसमें अच्छा खासा पैसा भी खर्च होता है। अमूमन शहरों में लगभग हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति अस्वस्थ पाया जाता है। आश्चर्य होता है, हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। इस पूरी समस्या का जो मूल जिसमें जड़ है वो है फूड, हमारा खाने पीने का तरीका। हमारे जो पूर्वज हैं वो कहते भी रहे हैं कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। हम जैसा खाते हैं हम वैसे होते जाते हैं। ना सिर्फ शारीरिक बदलाव होता है, ना सिर्फ बीमारियां होती हैं, बल्कि हमारी जो विचार प्रक्रिया होती है वो भी दूषित हो जाती है। इस सबसे कैसे निजात पाई जाए, आखिर ऐसा क्या हो कि हमारा खान पान का तरीका सही हो, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, वो एक स्वस्थ नौजवान बने। इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए और हल जानने के लिए, ये जानने के लिए कि हमारा खाने का तरीका कैसा होना चाहिए और उसके क्या सुखद परिणाम होते हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति शुक्ला, जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है और पिछले 25 वर्षों से देश भर में लोगों की सेवा कर रही है डाइटिशियन के रूप में। मैडम स्वागत है आपका स्टूडियो में। और सबसे पहले तो हम यही शुरुआत करेंगे कि डाइटिशियन जो आप बनी, तो ये डाइटिशियन कैसे इस तरफ प्रवृत्त हुई, मतलब कैसे डाइटिशियन बन गई आप? क्या यही बनना चाहती थी, कुछ और बनना चाहती थी या इस तो आ गई? हाँ देखिए, पहले तो साइंस बैकग्राउंड रहा है मेरा। अच्छा। और साइंस में फिर जैसे ही पीएमटी और ये सब जब होते थे तो उसमें सिलेक्शन बहुत ही विरलों का हो पाता था। तो हमारा सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाया, भाग्यवश सौभाग्य रहा हमारा। अब हम उससे बाद में होम साइंस में बीएससी किए और उसके बाद में एमएससी न्यूट्रिशन, फिर पीएचडी और फिर रजिस्टर्ड डाइटिशियन का एक इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। अच्छा। उसको हमने क्लियर किया, नेशनल टॉपर रहे। अच्छा। यूनिवर्सिटी में भी नेशनल टॉप किया था। तो इस तरीके से हम अब डाइटिशियन बन पाए। क्या बात करें, बीइंग डाइटिशियन, आपको क्या लगता है जो हमारा खान पान का तरीका है, हमारे देश का तरीका है, हालांकि हम अगर हम अपनी प्राचीन समय को देखें तो बहुत रिच हमारा तरीका था। हाँ। लेकिन आज पहले और आज के तरीके में क्या बदलाव आ गया? देखिए, पहले का खाना जो हम कहते हैं पारंपरिक भारतीय भोजन शैली था, है ना, जिसके अंदर की सभी चीजें थी, दाल, दही, सलाद, सब्जी, रोटी, चावल, ये सब उसके कंपोनेंट्स थे। अब क्या हो गया है कि ग्लोबलाइजेशन, एक तो जिसमें कि हम बाहरी खाने को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और उसको एक फैंसी चीज मानते हैं और अपनी रिचनेस का भी एक उसको एक प्रत्यर्पण देखते हैं उसमें कि हाँ भाई हम बहुत एफ्लुएंट हैं। तो यही सब चीजों के कारण क्या हुआ है, इम्बैलेंस बहुत हो गया है खाने में। तो बेसिकली तो हमारे शरीर के लिए जो सबसे बेहतर है वो हमारा पारंपरिक भारतीय भोजन है, जिसमें दाल, सब्जी, रोटी, चावल, सलाद, चटनी, सब कुछ होना चाहिए, है ना। तो इन सब चीजों से आजकल हम बहुत दूर हो गए हैं। कारण क्या रहा, मतलब क्यों दूर हो गए? देखिए, एक समय था जब हमारे यहाँ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब राशनिंग कर दी गई थी खाने के ऊपर। तो उस समय क्या था कि राशन से ही सामान मिलता था। तब हमने क्या किया कि एक टाइम पे दाल चावल बनाना चालू किया और एक टाइम पे रोटी सब्जी का खाना, सभी मतलब हमारे कहना चाहिए दादा वाली जो एज है उन लोगों ने ऐसा चालू किया। अब वो एक हैबिट बन गया है। अब राशनिंग तो है नहीं, हम सब लोग संपन्न हैं और हमारे यहाँ कोई फूड स्कैर्सिटी भी नहीं है, बट स्टिल ये वाला जो एक कहना चाहिए कि तरीका है खाना बनाने का, पकाने का, घरों में एक पैटर्न बन गया है। बिल्कुल। और इसलिए क्या होता है कि आप एक समय में जो एक बैलेंस्ड खाना खाते थे, आज की तारीख में वो इम्बैलेंस्ड हो गया है। सब कुछ होते हुए भी इम्बैलेंस्ड है, इम्बैलेंस हुआ और उसका उसका जो स्थान है, उसकी जगह जो है जंक फूड ने ले ली। तो आपको लगता है कि इसमें कैसे बदलाव कैसे कर सकते हैं आप, क्या किया जाए कि वो हम वापस लौट आए उस पर?
देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि अपने पेरेंट्स जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को ये चीज समझना चाहिए कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड डाइट। जी, बैलेंस्ड डाइट वही है जिसके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना, और एक होती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिसमें विटामिन, मिनरल सब होते हैं। तो जैसे हम एक भोजन का बात करें तो हमारी जो पारंपरिक भारतीय भोजन शैली है जिसके अंदर ये पूरी थाली आती थी, इसके अंदर सब चीजें बैलेंस्ड अमाउंट में होती हैं, पर अब ये तो बनता कम है। जी, जी। तो इसलिए ये इम्बैलेंस के कारण बहुत सारी डिजीजेस बच्चों में भी देखने मिलती है। क्या आपको लगता है कि हम अपनी पुरानी बात करें, मतलब पुराने पूर्वजों की बात करें, दादी दानी की बात करें, वो खाना बनाने में कुशल भी होती थी। शहरों में आपको लगता है कि महिलाओं में खाना बनाने की जो हैबिट है, आदत, ये कम होती जा रही है? बच्चों को स्वादिष्ट खाना नहीं मिलता है तो वहीं बाजार की तरफ दौड़ते हैं, क्या ये कारण ये भी हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। स्वादिष्ट खाना हर माँ अपने बच्चे के लिए बहुत अच्छा खाना बना सकती है ना। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, पहले वर्किंग वुमन नहीं थी, आजकल क्या है, वर्किंग मॉम्स है, तो हाँ लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन है कि उनको इतने ही समय में पूरे घर का खाना बनाना है। तो उसके अंदर क्या होता है, कई बार शॉर्टकट ऑफ कुकिंग ले लेते हैं, बिल्कुल, और इसके कारण भी इम्बैलेंस हो रहा है। जबकि जो हमारा नॉर्मल जो भारतीय भोजन है उसको पकाने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बिल्कुल सही कह रहे। तो जब हम पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं तब हम उनको बताते हैं, अरे दाल का कुकर ही तो चढ़ाना है, चढ़ा दीजिए, उससे क्या है आपको प्रोटीन्स मिल जाएगा। एक सब्जी रोटी तो आप बनाते ही हैं टिफिन के लिए, एक दाल और कर दीजिए। दही का क्या है, आपको सुबह ही सेट करना रहता है, घर में आप दही बना सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है, प्रोटीन कंटेंट है उसके अंदर। तो जब हम ऐसे सिंपल वे में उनको समझाते हैं, हाँ बोले ये तो पहले भी बनता था तो अब भी बन सकता है। जी, चलिए, अब आप, मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये बताना जरूरी हो गया कि अगर हम डाइट, बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तो बच्चों में किस तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। हम जब पेरेंट्स को ये बताएंगे शायद, तो शायद वो जागरूक हो पाए। देखिए, अभी आजकल इम्बैलेंस फूड के कारण छोटे छोटे बच्चों में डायबिटीज देखने को मिल रही है, जो कि एक कहना चाहिए कि टाइप टू वाले डायबिटीज है, जिसमें उसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड, कि जो आपके खान पान से आती है। तो बच्चों में 11-11 साल के बच्चों में मैं अपने क्लिनिक में देखती हूँ कि डायबिटीज हो रही है। फिर स्ट्रेस, बच्चों में स्ट्रेस बहुत होता चला जा रहा है कि वो एक सिंपल सी प्रॉब्लम को भी कोप अप नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी पर्टर्ब्ड हो जाते हैं, तो वो भी एक खाने से रिलेटेड है। और दूसरा ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी तो अपने इंडिया में अर्बन और रूरल दोनों उसमें ही काफी हो गया है, गाँव में भी ओबेसिटी देखने मिल रही है। तो ये सब कैसे है, क्योंकि घर का खाना जो है वो पौष्टिक नहीं है। जब पौष्टिक नहीं है तो उसके अंदर बच्चा भूखा रह जाता है। अच्छा। और भूखा रहता है तो वो बाहर जाके या तो चिप्स का पैकेट खरीदेगा या वो बिस्किट का पैकेट खरीदेगा, और ये सब चीजें क्या है, जंक फूड। तो आप यदि बच्चे का पेट घर पे ही अच्छे से भर दो तो वो बाहर जाके ना खाएगा, और घर पे भी शायद जो जंक फूड भी खाएगा तो पेट तो भर जाएगा, लेकिन जो शरीर की जरूरतें होंगी, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स नहीं मिलेंगे, वो नहीं मीट कर पाते हैं। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हिडन हंगर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हिडन हंगर होती है। और ऐसे ही मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की, अब जैसे आपने बच्चे के लिए खाना बनाया और रोटी सब्जी का खाना दे दिया, अब रोटी सब्जी उसने खा तो लिया पर थोड़ी सी देर में ही वो पच जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन नहीं था। बिल्कुल। और बहुत कम मात्रा में प्रोटीन जो रोटी में मिलता है उससे वो कितनी सी देर चल पाएगा, थोड़ी समय में वापस से वो भूखा हो जाता है और फिर वो चिप्स का पैकेट ढूंढता है। चलिए, हम शुरू करते हैं कि बच्चे का जो ब्रेकफास्ट है वहां से शुरू करते हैं। ब्रेकफास्ट में क्या क्या होना चाहिए, उसके फूड में क्या होना चाहिए? देखिए, बच्चों के आहार में सबसे पहले जरूरी है कि मॉर्निंग में सभी बच्चे एक गिलास दूध तो जरूर से पिए, है ना। फिर जो लोग नॉन वेज खा सकते हैं उन लोग अंडा ले सकते हैं, जैसे शाकाहारी लोग हैं तो दालों से बनी हुई चीजें को प्रयोग करें, जैसे कि चीला है, खमंड है, इडली है, ढोकला है, और आपका स्प्राउट्स है, ऐसी चीजें बनाएं घर पे। अच्छा, टिफिन ही देना है तो भाई आप चीले बना के भी तो उसके टिफिन में रख सकते हैं, क्या जरूरी है कि आप उसको मैगी बना के टिफिन में रखें। सही बात है, ठीक है। अब जैसे लंच की बात आती है तो अच्छा है स्कूलों में जो बच्चों को खाना मिलता है वो बहुत अच्छा है। मैं अभी थोड़े दिन पहले ही एक स्कूल में गई थी और उनके किचन का इंस्पेक्शन था, उनके खाने का टेस्टिंग था,
एंड इट वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। दाल भी दे रहे हैं, सब्जी है, रोटी है, चावल है, सलाद है, यानी कि फुल मील है। हाँ, बच्चे क्योंकि टिफिन कैरी जो करते हैं वो दाल में डुल जाएगा, ये हो जाएगा, कॉपी किताब खराब होएगा, तो इस चक्कर में नहीं लेके जाते। तो इससे बेटर है कि आप उनको स्कूल में खाना खाने दें जहाँ पर बैलेंस फूड मिल रहा है। जी, और बच्चों में एक इक्वालिटी आती है कि सभी तबके का बच्चा एक साथ बैठ के खाना खा रहा है। जी, तो वो एक सेंस ऑफ सोशल जो कहना चाहिए कि सोसाइटी के प्रति जो अपना एक इक्वालिटी है वो आती है। जी, जी, और तीसरी चीज जैसे रात का खाना है, तो घर में अभी एक ट्रेंड देखने को मिला है कि जैसे ना सबको कुछ अच्छा खाना होता है रात में। हाँ, तो क्या खाएंगे, इडली सांभर खा रहे हैं, कोई जना पाव भाजी खा रहा है, कोई जना मतलब कुछ ऐसा कि हमें नॉर्मल खाना नहीं बनता। अरे आप 6 दिन नॉर्मल बनाइए और एक दिन कुछ ऐसा फैंसी खाना बना लीजिए, पर बच्चों को 6 दिन आप फैंसी के चक्कर में इम्प्रॉपर इनबैलेंस डाइट दे रहे हैं, तो गलत है उनके स्वास्थ्य के साथ में। जी, टाइमिंग क्या होना चाहिए, मतलब ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का टाइम क्या होना चाहिए? देखिए, ब्रेकफास्ट हो जाए 8:15 के 9 के बीच में, लंच आपका 1-2 के बीच में हो जाए, और डिनर का वही टाइम है कि 7:30-8 के बीच में आपका डिनर होना चाहिए। बच्चों को बीच बीच में फ्रूट्स दे सकते हैं, भाई जैसे छाछ है, ये हमारा पेय है। अब जरूरी नहीं है कि आप उनको कोक, फैंटा या कुछ ऐसा जूसेस दें, तो आप तो फ्रूट दे दीजिए, खाने में फ्रूट्स रखिए, और तो अपना एक बटर मिल्क वगैरह ऐसी कोई चीज दे दीजिए, नारियल पानी है। जी। तो ये हमारे पारंपरिक चीजें हैं, इनको आप यूज करिए तो ज्यादा अच्छा रहे। दुनिया भर, चूंकि आप तो डाइटिशियन है लंबे समय से, आप देख भी रही, दुनिया भर में क्या कोई ऐसे देश है जहां पर खाने पर ध्यान दिया जाता है, लोग अवेयर है? हाँ, देखिए जैसे हम ग्लोबल क्यूजींस की बात करें तो सभी देशों का कुछ एक अलग अलग टाइप का भोजन रहता है। लेबनीज भोजन है, वो एक तरीके से उनके लिए बिल्कुल पूरक आहार जैसा काम करता है। चाइना में चाइनीज फूड है, उन लोगों का जैसे उनमें नॉनवेज भी होगा, पास्ता भी होगा, नूडल भी होगा, एवरीथिंग इज देयर। हाँ, जो भी उनकी सब्जी वब्जी है वो सब डाल डूल के एक जैसा बना लेते हैं, पर उसमें नॉनवेज होता है। हाँ, अब हम जो चाइनीज खा रहे हैं, हम अधिकतर तो रिलीजियस बिलीफ के कारण ये सब चीजें नहीं खाते हैं, और फिर क्या रह गया, वो मैदे की नूडल, तो वो हमारे लिए इम्प्रॉपर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो यानी कि आप यदि ग्लोबल क्यूजीन को अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसको एज इट इज कीजिए, तब जाके मजा है उस चीज को खाने। हमारे देश में फूड हैबिट के दुष्परिणाम के रूप में सबसे बड़ा दुष्परिणाम क्या मानती है? देखिए, ग्लोबलाइजेशन ही है सबसे बड़ा, कि भाई आपने वहां की चीजों को नकल तो कर ली पर उसके अंदर न्यूट्रिएंट का जो बैलेंस है वो खो दिया, क्योंकि वो उस देश के लिए, जैसे उधर के लोग खाना खाते थे, जैसे पास्ता खा रहे हैं तो उसमें बॉइल्ड चिकन है, एग्स है, ऐसी सब चीजें पड़ी होती हैं। तो हमारे यहाँ जो पास्ता खाते हैं तो मैदा और चीज और ये सब ही है, तो वो प्रोटीन कहाँ गया उसका? तो वो तो आपने खाया नहीं, तो इसलिए ग्लोबलाइजेशन में, हाँ ठीक है, आप अडॉप्ट करना चाहते, अडॉप्ट इट कीजिए, तो उसको पूरी तरीके से अपनाइए। वजन कम करना और बढ़ाना, ये भी अपने आप में, वजन कम करने की समस्या बड़ी हो गई कि बहुत लोग मोटे हो जाते हैं और वजन कम करना है, तो क्या इसका संबंध फूड से है, वजन बढ़ाने का? बहुत बहुत हद तक ये फूड से ही रिलेटेड है। एक तो एक्टिविटी लेवल कम हो चुका है, और उसके बाद में हाई कार्बोहाइड्रेट भोजन जो हमारे यहाँ पे एक चलन बन गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक टाइम पे रोटी सब्जी है ना, अब रोटी इज से 2 ग्राम प्रोटीन का आइटम, एक रोटी इतनी बड़ी भी समझ लें तो 2 ग्राम प्रोटीन है। अब आदमी ने क्या खाया, 6 रोटी खा ली और इतनी सी सब्जी खा ली, तो क्या इसमें उनको प्रोटीन पूरा मिलता है? नहीं मिलता। तो उससे क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट लोड बहुत हो गया, और कार्बोहाइड्रेट्स आगे जाके आपके फैट में स्टोर कर जाते हैं, उधर डायबिटीज की समस्या बढ़ती है और इधर ओबेसिटी बढ़ती है, और आजकल तो देखने में आया इंसुलिन रेजिस्टेंस ये बहुत हो गया है, तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ की कार्बोहाइड्रेट इनटेक बहुत ज्यादा हो गया है। तो शक्कर, अब मिठाइयां तो है ही अपने यहाँ पर जो चलती है, और हर प्रसाद से लेके हर चीज में मिठाई मिलती है, और ये तो एक एक्सेस ही हो गया। ऊपर से आपका नॉर्मल खाना जो भी प्रोटीन से बिल्कुल डिवॉइड हो गया है, तो ऐसा खाना खाने से कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंसी ज्यादा, इसीलिए ओबेसिटी ज्यादा। आपको क्या लगता है, हम बहुत रिच रहे हमारी कल्चर में, हमारा फूड बहुत पारंपरिक रहा, हम क्या एजुकेशन सिस्टम का बड़ा कारण मानती है?
अगर एजुकेशन सिस्टम में होता, बच्चा पढ़ रहा होता, माँ पढ़ रही होती, अपनी उस क्लास में पढ़ा होता कि ये वर्ल्ड डाइट है, आपको लगता है कि कहीं वो भी एक बड़ा कारण रहा कि हम एजुकेटेड हो ही नहीं पाए? हाँ। परंपरा को जिंदा रख ही नहीं पाए, संभाल ही नहीं पाए। देखिए, एक फूड करिकुलम में जो अपना सिलेबस है उसके अंदर फूड के ऊपर एक चैप्टर जरूर होना चाहिए जिसमें कि आप बैलेंस डाइट को थोड़ा समझाएं बच्चों को। हाँ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट, तो अभी मेरा बच्चा 7th में है तो वो भी पढ़ रहा है, पर उसको तो क्योंकि उसकी माँ डाइटिशियन है, उसको पता है कि किस चीज में क्या है और कैसा खाना खाना चाहिए। बट बहुत सारे लोग उस चीज पे एम्फोसिस नहीं करते हैं। घर पे भी जैसे आप बच्चों को जब आप थाली लगा के दे रहे हो कि बेटा इसमें ये कार्बोहाइड्रेट वाली चीज है, ये आपका प्रोटीन वाली चीज है, तो ये घर पे भी सब माओं को समझाना चाहिए बच्चों को। तो उससे क्या है कि उसका एक होलसम डेवलपमेंट होगा। और जैसे बच्चों में आंखें कमजोर होना, चिड़चिड़ापन होना, बहुत जल्दी से इरिटेट हो जाते हैं बच्चे, तो ये सब चीजें उनके भोजन से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए माताओं को भी मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत है, फूड से रिलेटेड न्यूट्रिशन। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं फिर से जब जानना चाहूंगा कि प्रोटीन्स, आपने जोर दिया कि प्रोटीन्स खाना चाहिए, किन किन चीजों में प्रोटीन्स होता है? देखिये, दूध, दही, पनीर, अंडा, दालें, फिर नॉन वेजिटेरियन आइटम सारे, सोया आइटम्स की बात, सोया, नट्स जो अपने बादाम अखरोट होते हैं, इन सब में प्रोटीन्स मिलता है। और इन सब की मात्रा, हाँ, डेली जैसे आप एक 50 किलो का व्यक्ति है या 60 किलो का व्यक्ति है तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है? 50 से 60 ग्राम के बीच में है, तो इतना तो उसको डेली ही लेना होता है। अब इसके अंदर आपको उसको प्लेस करना है कि हाँ, ब्रेकफास्ट में इतना, लंच में इतना और डिनर में इतना। आप ये सोचोगे 6 दिन आप बिना प्रोटीन का डिनर कर रहे हो तो आपने 6 दिन का डेफिसिट ले लिया है, तो जो आपके अंदर फिर एक डेफिशिएंसी के रूप में पनप जाएगा। डाइट और एक्सरसाइज, इसमें कहीं कोई संबंध है? बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि जब आपका एक कहना चाहिए डाइट अच्छा रहता है तो आप एक्सरसाइज भी अच्छे से कर पाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग से मिलती हूँ जो बोलते हैं कि जिम छोड़ने के बाद हम मोटे हो गए। भैया, जिम छोड़ा था, खाना छोड़ा था क्या? नहीं, बिल्कुल। तो इसलिए डाइट और एक्सरसाइज दोनों ही चीजों में आपको इनका बैलेंस तो बना के ही रखना। जैसे आप अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी मसल्स एक्टिविटी बढ़ती है, तो आप कहना चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी जो आपकी मसल की है वो बढ़ जाएगी, उससे आपका फैट और आपका शुगर दोनों ही बर्न होता रहेगा दिन भर, और फैट डिपॉजिट करने के लिए बचेगा नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए खाना अच्छा खाएं और एक्सरसाइज करें। आपके पास में जब कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति आता है तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो स्वस्थ हो और वो जानने के लिए आए कि अब मुझे क्या भविष्य में क्या हैबिट चेंज करना है? हाँ, या बीमार लोग ही आते हैं? नहीं नहीं, आजकल तो फिटनेस के ऊपर बहुत सारे लोग ध्यान रखते हैं और अच्छी चीज है, हम इसको बहुत ही वेलकम करते हैं कि ठीक है, बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट केवल ये जानना है कि हाँ, मैं क्या खाऊं जिससे मैं आगे डिजीजेस को दूर रख सकूं। तो जैसे भाई आप उनकी बॉडी का एक स्कैन ले लेते हैं, उसको एक असेसमेंट ले लेते हैं, तो फिर उनको समझाते हैं कि आपको इस तरीके का खाना हमेशा खाना है जिससे कि आप फैट डिपोजिशन नहीं करें, आप मसल डेवलपमेंट करते रहें और आप फिटनेस के प्रति जागरूक बने रहें। तो आपकी बॉडी क्या है कि फैट स्टोर करने के लिए इतना वो नहीं बचेगी, फ्री नहीं बचेगी, हाँ। अच्छा, बचपन में तो खैर ध्यान देना ही चाहिए, लेकिन एक एज के बाद में कौन सी उम्र होती है जब आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अब आपको ध्यान देना पड़ेगा? हाँ, ये कहना चाहिए मेटाबॉलिक चेंज जो है ना, 30 के बाद में आता है। अच्छा। तो 30 के बाद में हमारा BMR थोड़ा सा ऑल्टर क्या स्लो होने लग जाता है, यानी कि बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आप रेस्ट पे कितनी कैलोरी खर्च कर रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी का थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद में फैट को कम करना उतना ही मुश्किल होता चला जाता है, तो इसलिए पहले से ही आपको इस चीज को मान के चलना है कि हाँ, 20 से 30 के बीच में बॉडी पे ध्यान दीजिए और 30 के बाद में उस बॉडी को मेंटेन कीजिए, आप जो आपने जो आपने एक्वायर कर लिया है। आपको क्या लगता है, मतलब माओं को क्या कहना चाहेंगे स्पेशली आप? देखिए, माएं हमारी जो किचन क्वींस हैं, तो मेरा एक ही कहना है कि प्लीज अपने बच्चों को पारंपरिक भारतीय भोजन शैली से मेलजोल बढ़वाएं उनका, उनको नॉर्मल खाना दें। हाँ, ग्लोबल क्यूजींस अच्छे होते हैं, फैंसी होते हैं,
उसको हफ्ते में एक दिन के लिए रख दे, है ना। जैसे आप संडे उसको एक बच्चे को दे दीजिए कि बेटा अब आप अपने चॉइस का पिज्जा खाना है, मैगी खाना है, जो भी खाना है आप संडे को खाइए, बट बाकी के 6 दिन आप उसको एक बैलेंस डाइट दें। बैलेंस डाइट का मतलब है कि बच्चों को दही खाना सिखाएं, दाल खाना सिखाएं, सब्जी रोटी और सलाद, इन सब से भरी पूरी जो थाली होती है वो उनको सर्व करें। और इस चीज के लिए हमारी गट जो है ना, जो हमारा इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो गट माइक्रोबायोटा है वो बहुत सूटेड है, तो यानी कि ये खाना हमारे शरीर के लिए बेस्ट है। तो इसको आप उसको कहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा उनको इन सब चीजों से मेल जोल बढ़वाएं और उनको ये खाने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि ये हमारा कहना चाहिए स्टेपल फूड है। और उसके लिए मतलब उनको जागरूक करके रखें कि हाँ आपको खाना है एक दिन खा लीजिए आप बाहर का, पर जैसे बच्चे अभी रोजीना में ऑर्डर कर लेते हैं स्विगी जोमैटो, तो भाई पिज्जा आ रहा है, पास्ता आ रहा है, एक दिन के लिए केवल, बस बाकी के टाइम आप 6 दिन बच्चे को नॉर्मल खाना खिलाइए। डॉक्टर प्रीति, आप हमसे अपने हमसे बातचीत की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, और खासतौर पर यह बताया कि जो पारंपरिक हमारा खाना है उसे कैसे जिंदा रखा जाए और कैसे स्वस्थ रखा जाए। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने। तो पारंपरिक जो खाना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर प्रीति शुक्ला से बातचीत हुई हमारी, जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन है और 25 सालों से लगातार लोगों को जागरूक कर रही हैं, स्वस्थ कर रही हैं। आपसे भी निवेदन कि इस कार्यक्रम को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम को फॉरवर्ड कीजिए, ताकि लोग अपनी डाइट के प्रति जागरूक हों, हमारे पारंपरिक खाने के प्रति जागरूक हों और स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहकर एक परिवार को स्वस्थ रखें, एक राष्ट्र को स्वस्थ रखें। बहुत सारा धन्यवाद। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।